आजकल लगभग हर घर में इंडियन टॉयलेट सीट के साथ साथ यूरोपियन टॉयलेट सीट लगाया जा रहा है। तो यूरोपियन टॉयलेट सीट लगाने से पहले हर कोई यही सोचता है कि भाई साहब इसको लगाने का टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यूरोपियन टॉयलेट सीट लगी हुई है। तो चलिए एक एक करके हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि यूरोपियन टॉयलेट सीट लगाने में 2023 में टोटल कितना पैसा लग जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये कमोड कितने रुपए का आता है, कमोड के ऊपर जो कमोड कवर है ये आपको कितने रुपए का मिल जाएगा, और इसके साथ साथ ये जो पीछे फ्लश लगता है ये आपको कितने रुपए का मिल जाएगा। और यूरोपियन टॉयलेट सीट में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से एक फॉसेट गन होता है, ये आपको कितने रुपए की मिल जाएगी। और इसके साथ साथ यूरोपियन टॉयलेट सीट में टोटल 3 टोटियां लगती हैं जिसको हम एंगुलर वाल्व टैब बोलते हैं। तो तीनों टोटियां मिलाकर टोटल कितना पैसा खर्च हो गया, और इसके साथ साथ इंस्टॉलिंग लेबर रेट यानी कि जो लेबर इसको लगाने आया था वो कितना पैसा लिया था, इस वीडियो में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। और लास्ट में हम टोटल करके आपको बताएंगे कि टोटल यूरोपियन टॉयलेट सीट लगाने में हमारा कितना पैसा खर्च हो गया। तो सबसे पहले यदि हम यूरोपियन कमोड प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको 900 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक के कमोड मिल जाएंगे। बट यदि हम इस कमोड की बात करें तो ये हमें 1200 रुपए का मिला था, ठीक है। तो 1200 रुपए का हमारा कमोड हो गया। कमोड के बाद आप देख सकते हैं कि कमोड के ऊपर कुछ इस तरीके से एक प्लास्टिक का कवर लगता है। तो यदि हम इस कवर के प्राइस की बात करें तो ये मार्केट में आपको 350 रुपए से लेकर 1200-1300 रुपए तक का मिल जाएगा। बट यदि हम यहाँ की बात करें तो ये हमें 400 रुपए का मिला है, ठीक है। 400 रुपए का हमारा कमोड कवर हो गया। और इसके साथ साथ यदि आप कम पैसे में कमोड कवर खरीदना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि अमेज़न पर आपको 369 रुपए का मिल रहा है, और इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके इसको खरीद सकते हैं, ठीक। तो 400 रुपए का हमारा कमोड कवर हो गया। कमोड कवर के बाद यदि हम फ्लश प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से पीछे फ्लश लगाया जाता है जो कि कमोड की क्लीनिंग के लिए होता है, यानी कि कमोड को साफ करने के लिए होता है। और यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो ये हमें 850 रुपये का मिल गया था, और आपको मार्केट में लगभग 750 से 800 रुपये ये इसका स्टार्टिंग प्राइस है आपको मिल जाएगा। ये हमें 830 रुपये का मिल गया था, ठीक है। प्लस प्राइस के बाद यदि हम फॉसेट गन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसको हम फॉसेट गन बोलते हैं। और फॉसेट गन का उपयोग किस लिए किया जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से ज़रूर बताइए। और यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको 250 रुपये से लेकर 2500 का भी मिल जाएगा, ठीक है। बट यदि हम यहाँ की बात करें तो ये हमें 350 रुपये का मिल गया था। और यदि आप कम प्राइस में ख़रीदना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि अमेज़न पर 350 से भी कम प्राइस पर मिल रहा है, इसको आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। फॉसेट गन के बाद नेक्स्ट यदि हम एंगल वाल्व टैप की बात करें तो आप देख सकते हैं, कि ये पहली टोटी है, ये दूसरी और ये तीसरी, इसको हम एंगल वाल्व टैप बोलते हैं। पहला टैप आप देख सकते हैं कि फ्लश में लगा है, दूसरा टैप आप देख सकते हैं कमोड में लगा है, और तीसरा आप देख सकते हैं फॉसेट गन में लगा है। तो यदि हम एक टैप के प्राइस की बात करें तो एक टैप आपको 300 रुपये का मिल जाएगा। तो इस हिसाब से तीन टैप का 900 रुपये हो गया, यानी कि 900 रुपये में आपको तीनों टैप मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आप इसको ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हो तो आप अमेज़ॉन के माध्यम से इसको ऑनलाइन ख़रीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट ऑर्डर कर दीजिए, आपके घर ये टैप पहुंच जाएगा। नेक्स्ट यदि हम इंस्टॉलिंग लेबर रेट की बात करें यानी कि इसको लगाने के लिए जो मिस्त्री आया था उसने कितना पैसा लिया, तो इसको लगाने के लिए जो मिस्त्री आया था वो 1200 रुपये मांग रहा था, बट लास्ट में उसने 1000 रुपये में इसको इंस्टॉल कर दिया, यानी कि पूरा का पूरा लगा दिया। अब चलिए हम टोटल करके देख लेते हैं कि कमोड का, कमोड कवर का, फ्लश का, फॉसेट गन का, एंगुलर वाल्व का, और इसके साथ साथ लेबर का मिलाकर टोटल कितना पैसा हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1200 रुपये कमोड का हो गया, 400 रुपये हमारा कमोड कवर का हो गया, 830 रुपये फ्लश का हो गया, और 350 रुपये फॉसेट गन का हो गया, और इसके साथ साथ 900 रुपये एंगुलर वाल्व टैप का हो गया जिसमें 3 एंगुलर वाल्व टैप आए थे, और इसके साथ साथ 1000 यानी कि 1000 रुपये लेबर रेट हो गया, यानी कि इसको लगाने के लिए जो प्लम्बर आया था वो 1000 रुपये लिया था। तो सभी को मिलाकर आप देख सकते हैं कि यूरोपियन कमोड लगाने में टोटल लेबर मटेरियल सहित 4680 रुपये का खर्च हो गया, यानी कि 4680 रुपये हमारे लग गए। सो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूरोपियन टॉयलेट सीट लगाने में टोटल कितना खर्च हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे।